एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. अभी 9 o'clock हो रहा है और ओह माय गॉड, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ. मुझे कितनी जोर का घस्सा बजा है. तो अभी मैं उठी और उसके बाद अब मैं क्लीनिंग करूँगी फटाफट से. आज मैं बहुत लेट उठी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी. अजीब सी थकान थी कुछ शरीर में, शायद ट्रैवल करके हुआ होगा ऐसा. तो अभी उठते हैं और जो मैंने खलारा पाया है यहाँ पे, गंद पाया है, उसको साफ़ करते हैं. और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा सफाई करने के लिए दिख रही है. तो पहले शुरुआत करूँगी, पहले मैं उठूँगी, बेडिंग वगैरह करूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी. नहीं तो अगर मैं एक बार सफाई में लग गई ना तो फिर मुझसे ब्रेकफास्ट नहीं होती. अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, चाहे चपाती खाऊँगी, जो भी खाऊँगी पर खा लूँगी. नहीं तो फिर एक बार अगर मैं सफाई करने लग गई ना फिर मुझे समय नहीं लगता है, मतलब मैं नहीं कर पाती फिर खाना वाना खाने के लिए, मेरे को टाइम नहीं लगता. तो उठते हैं और ये जो कपड़े वपड़े मैंने यहाँ पे फेंक के, जो पैक करने हैं उनको पैक करती हूँ, और जो साथ ले जाना है उनको साथ ले जाती हूँ, जिनको अलमीरा ले जाना है उनको अलमीरा में रख देती हूँ. तो बेडिंग करते हैं. अभी मैंने जस्ट फेस क्लीन किया, नहीं तो सुबह सुबह आपको अपने मुंह धो के ही व्लॉग शुरू करती हूँ मैं. ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं बेडिंग कर लेती हूँ मैं सबसे पहले. मैंने फटाफट से बेडिंग करी और उसके बाद मैं लग गई सफाई में, और अब मैं खाना नहीं खाने वाली 12-1 बजे तक. कौन कौन ऐसा करता मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तो बस काम में ही लग जाती हूँ. सामान ले जाना है मैंने घर के लिए, जो भी मैंने, ये जैसे ये फ्लावर हो गए, ये कुछ कुछ कुशंस हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है, तो इसलिए मैं सोच रही कि क्यों ना इसको घर ले जाया जाए. बस अब मेरी भागदौड़ शुरू. जैसे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, पहले तो सारा सामान उठाओ, उठा के सब कुछ झाड़ू लगाओ, उसके बाद फिर से ये बिछाओ. काफी चीजें होती है यार. मैं फिर से झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि ये जो बाहर से मैं लेके आती हूँ ये थोड़ा गंद निकलता है इससे, इसलिए फिर से सफाई करनी पड़ती है. ओ यस, ये हो गई है मेरी पैकिंग डन. ये ले जाना है गांव के लिए सारा सामान, और सफाई भी हो गई है. बस थोड़ा सा बेड मैसी है अब इधर, बाकी सब कुछ हो गया है. ये थोड़ा सा, ये तो 1 मिनट का काम है. अब बारी है खाना बनाने की. देखा, मैंने कहा था ना आपको 12 बज चुके हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया है. एक बार अगर मैं सफाई करने लग जाती हूँ फिर मैं खाना पीना भूल जाती हूँ. किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं काम ही करती रह जाती हूँ. तो अब बारी है खाना बनाने की. ओके, मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है अभी. और मैं कुछ स्नैक्स खा लेती हूँ. बहुत टेस्टी है वाला, इनपे पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है. इतना खूबसूरत लग रहा है मौसम, वाह. और ये है शिमला का मौसम जो इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और मैं बैठी हूँ यहाँ पे धूप सेक रही हूँ. बनाई अभी अपनी फेवरेट भिंडी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी, और किस किस को पसंद है वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. ओके, बस मैं आई हूँ अभी क्लास लेने के लिए, इसलिए मैं बैग खोल लेती हूँ पहले. यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा है, वो है सानवी. हेलो सानवी. ठीक है, तो अभी मैं फटाफट से क्लास ले लेती हूँ और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ. शिमला आके इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ ही एसी चल रहा है, नेचुरल एसी. तो बाहर कर रहे हैं बच्चे प्रैक्टिस, अंदर कर रहे हैं क्या भी प्रैक्टिस. और तुम देखो फिर यहाँ हूँ मैं, मेरे बाल बिखर चुके हैं सारे, बच्चों को सिखाते सिखाते. तो यस, मैं पहुंच चुकी हूँ वापस घर, और बस और क्या, और देखती हूँ कि क्या करना है मुझे. अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी देर बाहर रहूँ, बैठूँ. भिंडी बनाई हुई मैंने, बनाने हैं चने की दाल. तो अभी अभी मैं जस्ट आई हूँ और मैंने पार भी किया था मम्मा वगैरह को कॉल. भाभी भी एकदम बढ़िया है, बस उनको छुट्टी हो जाए जल्दी जल्दी, और फिर बस बाकी तो कुछ नहीं. मैं फ्रेश हो गई और बस अपना फेस भी क्लीन किया मैंने. अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पे एलोवेरा जेल. काफ़ी टाइम हो गया मैंने एलोवेरा नहीं यूज़ किया है, और अंधेरा हो चुका था इसलिए. ऐसा कहते हैं कि हरी डाली को नहीं तोड़ते हैं, सब सो जाते हैं रात के समय जब सूर्य अस्त होता है. तो मैं ले लूँगी इसलिए पतंजलि वाला एलोवेरा, और इसकी एक लेयर अपने फेस पे लगाऊंगी कि कोई भी अगर मेरा फेस टैन हुआ हो, कोई भी पार्ट फेस का,
तो वो ठीक रहता है, मतलब टैनिंग वगैरह। एलोवेरा जेल अच्छा होता है अपने फेस पे लगाना, तो अभी ये लगाऊंगी मैं। यस डन। पापा भी आ गए हैं और मैं बना रही हूँ पापा के लिए और अपने लिए चाय। भी देखते हैं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं भाभी से मिलने के लिए, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने भी जाना था पर क्या करूं अभी। मैं पहले मैंने थोड़ी सी चपाती बनाई और सब्जी वगैरह पैक करी, मम्मी और आंटी को दी पार, और पापा ले गए सारा का सारा सामान। अब मैंने अभी और चपाती बनाई, वो बनाई मैंने मेरे लिए और पापा के लिए। ऐसे अगर वहाँ पे हो गई उन लोगों के लिए चपाती तो पापा बारी खा लेंगे, और अगर नहीं हुई तो पापा यहाँ खाएंगे मेरे साथ। तो अब बारी है बस तड़का देने की, क्योंकि दाल नहीं पकी थी मेरी अभी तक। अब जाके देखो बिसल अभी भी, मतलब उसमें ठंडी नहीं हुई है, अभी मैंने तड़का देना है उसमें, फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा लेट थी तो अभी बस जस्ट अभी मैं बैठी बैठी तो क्या खड़ी ही हूँ अभी भी। एक तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान करे छुट्टी हो जाए अब जल्दी जल्दी, क्योंकि एक तो ऐसा लग रहा है बेबी को देखना था, अपने हाथ में लेना था, काफ़ी चीज़ें हैं यार, और बहुत ही प्यारू बच्चू यार मुझे तो बहुत ही ऐसा लग रहा है। तो अभी अभी कुछ नहीं, अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, आराम से पीठ जैसी सीधी कर लेती हूँ अपनी। हाय अल्लाह, जय श्री राम, नॉट अल्लाह। ओ प्लीज़ प्लीज़, अब मुझे गालियाँ मत देने लग जाना। आई जस्ट ये ऐसी मैं जोक कर रही हूँ। जब हम किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं तो मैं राम का नाम भी ले रही हूँ अल्लाह के साथ साथ। तो ठीक है, ओके। अभी मैं खाना खा रही हूँ यहाँ पे, मतलब ब्रेकफास्ट या कुछ भी, ब्रंच जो भी बोलना है आपने, डिनर भी मेरा मिक्स या पता नहीं क्या नाम निकल के आएगा, ये मैंने खाया। तो मेरा डिनर तो हो चुका है, अब आप इसको डिनर बोलो या ब्रेकफास्ट बोलो, मैंने तो खा लिया। मैं चने बनाने लगी थी पर कोई भी नहीं आया, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अकेले के लिए क्या ही बनाऊं मैं। पता नहीं ऐसे तो मैं खाने के मामले में बहुत ऐसी हूँ, तो मैंने बॉईल किए थे चने, वही मैंने खाए थोड़े से जो बॉईल किए हुए थे, और दूध पी रही हूँ अभी, और जो पापा ब्राउन ब्रेड लेके आए थे, चार ब्रेड खाई, दो चपाती पहले खा ली थी भिंडी के साथ। ऐसा नहीं मैं अपने पेट का ध्यान नहीं रखती, तो मन ही नहीं करता अकेले खाना खाने का। और मुझे भी जाना था हॉस्पिटल, और अकेले तो जब होते तो मेरा ध्यान पार ही है कि मुझे भी जाना था। तो अब देखते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जब बच्चे के पास जाएंगे तो उसको, मतलब कि डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि वो बीमार भी हो सकती है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हम। तो फिर क्योंकि प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया है, तो मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ भी हो, तो इसलिए वो आ जाएगी कुछ टाइम बाद हमारे पास ही आ जाएगी। तो जितना प्यार करना होगा हम उसको आराम से कर लेंगे। तो अभी तो मैं बस जस्ट बैठी हुई हूँ, क्योंकि उसके इतने छोटे छोटे हाथ, ऐसे चिन, आंखें बंद, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मैंने उसको देखा तो मतलब मेरा तो ना ऐसा लग रहा था कि वाह, इतना रिलीफ मुझे लग रहा था ना उस टाइम। फिर भाभी को बोलते मैं, आपको कैसा लग रहा है भाभी? भाभी बोलते बस मैं आपको बता नहीं सकती, डिटेल में बताऊंगी मैं आपको सब कुछ अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा होता है कि जब काफ़ी चीज़ होती है हमारी, तो बहुत चीज़ें मानते हैं, जैसे वो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट थे, उसके बाद बेबी हुआ, तो फिर ऐसा बोलते कि बंद रखना होता है अपने मुंह को, मास्क लगाया हुआ है उन्होंने। और मतलब शिमला में भी, मतलब गर्मी इन द सेंस कि ठीक ही है, दिन में तो बहुत गर्मी होती है, तब भी उनको एट ए टाइम मास्क पहन के रहना पड़ता है, और ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ती, कुछ काफ़ी चीज़ें होती है जो हमारे मानते हैं कि हाँ ज़्यादा बात नहीं करते तो पेट फुला ही रह जाता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो बोलते वो तो चुप भी नहीं रहते, वो तो बार बार मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि उनका मन हो रहा था मुझे बताने का, पर क्या करे फिर उनको ज़्यादा बात नहीं कर सकता है वो, इसलिए। तो अभी मैं जस्ट बस यही सोच रही थी कि कब मेरी प्यारी सी राजकुमारी मेरे पास आएगी, तो मैं उसको प्यार करूंगी आराम से। अभी मेरा काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला है, और इतने टाइम बाद मैं आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को, एक तो देखो मैं ऐसा नहीं है, देखो आपको भी पता है कि हाँ हार्ड वर्क क्या होता है, और कैसे कैसे सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अपना अपना रोल निभा रहे हैं, पर मैं ऐसी थोड़ी हूँ ना यार, मैं अपना हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं औरों को बुरा तो नहीं बोल रही हूँ। तो कैसे लोग मतलब किसी को भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और ऐसा नहीं है मैं किसी की बुराई करती हूँ कैमरा में बैठ के, या मैं किसी के बारे में भी बोलती हूँ, कुछ भी नहीं, मैं अपने काम से काम रखती हूँ बस, जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है वो दिखाती हूँ, मैं ना ज़्यादा महान बनती अपने आप को। फिर भी लोग बोलते
ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो, ज्यादा ये करते हो, ज्यादा वो करते हो। हाँ मैं इग्नोर करती हूँ, बट नहीं होती इग्नोर यार चीजें। जब आप बिल्कुल सही, एक आपको पता होता है ना कि नहीं ये रास्ता है मेरा और मैंने सही चलना है, फिर भी मतलब फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यार ये लोग क्या है, पहले ही लाइफ में सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है और आप और डाल रहे हो, और आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हो फिर भी आप उसके ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम्स डाल रहे हो। तो यार दुनिया में ना लोगों को दुख देने वाले लोग बहुत ज्यादा है। कभी ये सोच के देखो कि आप किसी को अगर एक हैप्पी कमेंट करोगे या कमेंट मत ही करो, फिर क्या जरूरत है कमेंट करने की, क्या जरूरत है ज्ञान देने की। और इनफैक्ट लड़की ही बोलती है, लड़कों का हम नहीं बोल सकते, पर मेरे को जितनी भी मतलब मेरे को हेट कमेंट्स आते हैं वो लड़कियों के ही आते हैं मैक्सिमम। तो आई वाज लाइक जस्ट क्या यार, तुम एक लड़की हो के दूसरी लड़की को बोल रही हो। अब ये मुझे पता नहीं क्या वो फेक आईडी होती है, रियल होती है, लेट इट बी, छोड़ो परे उनको, वो लोग ऐसे ही है जिनको आदत होती है। पर अभी मैं आराम से बैठी हुई, अभी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं अभी, क्योंकि इतना टाइम हो गया, पापा और भैया नहीं आए अभी देखो हॉस्पिटल से, मुझे भी जाना था वहां पे। तो अभी मैं कुछ टाइम बाद गाँव जाऊंगी, मेरा काफी काम अधूरे पड़े हैं। मुझे देखो लुधियाना से भी काम आधा छोड़ के आना पड़ा वापस, वो भी मेरा पूरा नहीं हो पाया। अभी मैंने घर का काम जो मैंने इनकम्प्लीट है, और शादी भी आने वाली है हमारे घर में, मतलब घर में इन द सेंस कि साथ में ही है, हमारे गाँव में शादी है और वो हमारे परिवार के है, रिलेटिव है हमारे, तो वहां पे जाना पड़ेगा। मैंने पैकिंग इसीलिए की है शादी में जाने की, तो आपको शादी वाले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी, अपने आउटफिट पे दिखाऊंगी। वैसे तो मैं पुराने ही रिपीट करूंगी, बट फिर भी आपको मैं जरूर दिखाऊंगी। तो काफी चीजें कंटेंट सोच रही थी दिमाग में, क्योंकि इतने दिन मैं जब जाऊंगी वहां पे, तो 3-4 दिन तो वहां पे सिग्नल ही नहीं होता है, सिग्नल ही नहीं होता है, तो आपको पुराने ब्लॉग देखने पड़ेंगे मेरे को। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा 2-3 दिन पीछे चलती हूँ, इन द सेंस कि व्लॉग यूट्यूब पे थोड़ा सा पीछे अपलोड करती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं शिमला आ गई थी, फिर भी मैंने लुधियाना वाले व्लॉग पोस्ट करे, क्योंकि वो मैंने बना दिया था। 2-3 दिन मेरे पेंडिंग चलते हैं व्लॉग, क्योंकि मुझे गाँव जाना पड़ता है और मैं नहीं चाहती मेरा एक भी दिन मिस हो, और ये कंटिन्यू मैं करना चाहती हूँ दिल से। और देखते हैं, होप सो आप मेरा साथ दोगे, चाहे 2 कमेंट आए चाहे 3 कमेंट्स आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से। और बहुत बातें हो गई, मतलब मुझे सच में, और मैं कभी लाइव सेशन जरूर रखूंगी कि हाँ हम लाइव बात करेंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे कोई भी हो। मुझे एक आइडिया आया कि आप जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं करते उस दिन आप लाइव आ जाया करो, पर नहीं, मैं किसी दिन मतलब ऐसा सोचूंगी, आप ही मुझे बताओगे टाइम कि मैं कब लाइव आऊँ। ओके, फिर मैं आपके साथ लाइव जितनी बातें करनी होगी, जितनी आपके क्वेश्चन होंगे सारे के सारे वो आंसर्स दूंगी। ओके देन बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर। अभी मैं बस जस्ट इंतजार कर रही हूँ पापा वगैरह का, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही मैं सो जाऊंगी वीडियो एडिट करके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और प्लीज मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे और मेरी वीडियो को शेयर करें अगर आपको थोड़े से भी मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो। ओके देन बाय, गुड नाइट।